हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट मथुरा में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका एनसीईआरटी 11th क्लास के लिए ट्राइग्नोमेट्री। इस ट्राइग्नोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज चल रही थी, इसका पार्ट थ्री है। इस पार्ट थ्री में हम 20 से 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने प्रीवियस दो पार्ट इसके दे दिए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हम 20 से 25 तक के सारे क्वेश्चन पार्ट थ्री में। तो पहले क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको यहां पर कॉस और साइन की आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए। देखिए, मैंने आइडेंटिटीज़ आपको यहां लिखी हुई हैं, ये आइडेंटिटीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में भी लिखी थी, आपको ये याद होनी चाहिए। इन आइडेंटिटीज़ के बगैर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए ट्राइग्नोमेट्री के लिए। चलिए तो क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखते हैं। टेकिंग LHS, मैंने क्या किया, सबसे पहले LHS को ले लिया है। LHS जैसे ही लिया मैंने यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मुझे वैल्यू मिला क्या कि मैंने यहाँ पर कॉस 4x प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 2x इनको ले लिया है। ओके, अभी सेकेंडरी पार्ट मेरा साइन का है, तो साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x मैंने इसे यहाँ पर ले लिया। ओके, अब मैं करने क्या वाला हूँ, ऊपर मैं कॉस सी प्लस, इसमें ये a मैंने मान लिया है थोड़ी देर के लिए और ये मैंने b मान लिया है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर किया, ए यहाँ पर ये मान लिया है और यहाँ पर बी मान लिया है। देखिए, ए और बी मैंने क्यों माने, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 2 से डिवाइड देता हूँ तो मुझे ये बीच वाली वैल्यू मिल जाती है, इस वजह से मैंने इनको ए और बी माना है। तो मैं देखता हूँ कॉस सी प्लस कॉस डी की अगर मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ तो मेरे को मिलेगा 2 cos 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 एंड cos x 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस आपका cos 3x को जैसा है वैसे ही रहने देना है। आप यहाँ पर एक और साइन का है तो साइन को देख लेना है, टू साइन आपको क्या मिलेगा 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 एंड cos x 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा साइन 3x। ओके, जब ये वाली वैल्यू मेरे को मिल जाएंगी तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ cos 3x मुझे यहाँ पर मिलेगा, cos x यहाँ पर मिलेगा प्लस cos 3x यहाँ पर मिलेगा। ओके, जब मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा क्या 2 sin 3x। ओके, और यहाँ पर मिलेगा cos x और यहाँ पर मिलने वाला है मुझे साइन 3x, ये वैल्यू मिली। तो मैंने क्या कर किया यहाँ पर, मैंने इससे देखिए इनसे कॉमन ले लिया, मैंने क्या ऊपर से लिया मैंने cos 3x और नीचे से मैंने ले लिया साइन 3x कॉमन, ये वाली पार्ट मैंने कॉमन ले लिया है। तो ऊपर जो वैल्यू मिलेगी मुझे क्या मिलेगी 2 cos x प्लस 1 और नीचे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी cos x प्लस 1, यानी कि मल्टीप्लाई के अंदर दोनों सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे, यानी कि आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी अब cos 3x अपॉन sin 3x। अरे हम जानते हैं ये भी बात, हम जानते हैं कि cos अपॉन sin जो होता है वो cot होता है, तो cot 3x हो जाएगा, यही आपका RHS है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर आपके पास कॉट दे रखा है तो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना पड़ेगा। तो देखिए वो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, वी नो दैट हम जानते हैं क्या 3x इज इक्वल टू x प्लस 2x होता है। ओके, यहाँ लिखा, अब मैंने लिखा यहाँ पर टेकिंग कॉट बोथ साइड, क्या बोथ साइड, मैंने कॉट ले लिया बोथ साइड्स मैंने यहाँ पर कॉट ले लिया है, तो कॉट आपको कंडीशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, कॉट 3x इज इक्वल टू कॉट x प्लस 2x, ये वाली कंडीशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक कॉट है, कॉट की आइडेंटिटी लगेगी कॉट a प्लस कॉट b की, तो हम यहाँ पर इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। कॉट 3x होगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉट a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, ये इस तरीके से, ये cot a cot b की आइडेंटिटी लग चुकी है और यहाँ पर ये वाला वैल्यू हो गई। अब आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय cot x प्लस cot 2x, cot x प्लस cot 2x से करना है बोथ ऑफ साइड, क्या करना है बोथ ऑफ साइड्स, यानी कि आपको cot और cot x से इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी cot 3x और यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मिल जाएगा cot x प्लस cot 2x, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। जब आपने इधर मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पर cot x cot 2x माइनस 1 अपॉन
ये वाली बात तो यहाँ पर रहेगी रहेगी, कॉट एक्स प्लस कॉट टू एक्स, बट इसके मल्टीप्लाई में भी ये आ जाएगी क्योंकि हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया है। जब हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया है तो देखें इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा आपका कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स प्लस कॉट टू एक्स और कॉट थ्री एक्स, ये वाली बात यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आएगा आपका कॉट एक्स कॉट टू एक्स माइनस वन। अब आपको करना क्या है, वन को तो इधर लेना है, वन को तो आपको इधर लेना है और इस वाले पार्ट को इधर लेना है। तो आपकी कंडीशन जो बनेगी वो होगी वन इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट टू एक्स ओके माइनस कॉट टू एक्स कॉट थ्री एक्स माइनस कॉट एक्स और कॉट थ्री एक्स कह लीजिए कॉट थ्री एक्स और यहाँ पर कॉट एक्स, ये आपकी कंडीशन बनेगी और यही आपका क्वेश्चन है, तो यही प्रूव करना था। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एक कोई कॉमन वैल्यू ले लीजिए जो आपको आती हो, यानी कि जो राइट स्टेटमेंट हो वो ले लीजिए और राइट स्टेटमेंट से अपने क्वेश्चन को प्रूव कर दीजिए, तो आप कहेंगे कि ये भी प्रूव हो चुका है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए टेन दे रखा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको आइडेंटिटी की जरूरत पड़ने वाली है, वो कौन सी, वो ये टेन टू ए इज इक्वल टू होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये आपको आइडेंटिटी की जो है लर्न करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। टेकिंग एल एच एस, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एल एच एस को ले लिया है टेन फोर एक्स, तो मैं इस टेन फोर एक्स को लिख सकता हूँ टेन टू इंटू टू एक्स ओके। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लेट 2x इज इक्वल टू, मैंने a ले लिया है, क्या ले लिया है, a ले लिया है। तो यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट बन जाएगा वो बनेगा क्या, tan 2a बन जाएगा। और हम जानते हैं क्या, tan 2a की तो एक कंडीशन होती है 2 tan a 1 माइनस टेन स्क्वेयर a ओके। तो अब आपको क्या करना है, रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ ए, यानी कि आपको ए की वैल्यू को रिटर्न कर देना है। तो ए की वैल्यू जो थी वो क्या थी, देखें 2 tan 2x, यानी कि ए की जगह मैंने क्या लिखा था 2x लिखा था, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 माइनस tan x, tan की जगह 2x हो जाएगा ए की जगह पर सॉरी, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर फिर दोबारा से 2x की आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ, तो 2x की आइडेंटिटी क्या थी, tan, देखिए 2 tan x होगा सॉरी 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, तो ये तो ऊपर का हो गया, अभी अपॉन में देख लेते हैं, अपॉन में क्या रहेगा 1 माइनस, यहाँ पर देखिए 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, ये बना। अब आपको इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, तो ओपन करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 10x 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स ओके। अपॉन में जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगा, देखिए ये वाला टर्म यहाँ पर आ जाएगा तो ये होगा 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर ओके, माइनस 2 की जगह 4 हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वेयर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर होगा आपका टेन स्क्वेयर एक्स। अपॉन में जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना है और इसका मल्टीप्लाई आपको इसके साथ कर देना है। तो देख लेते हैं, तो आपको जो मल्टीप्लाई करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी 4 tan x ठीक है, और 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स। अब आप क्वेश्चन के आंसर की तरफ नजर मारें, देखें आपको ऊपर की वैल्यू तो मिल चुकी है, आपको ऊपर वाली वैल्यू तो मिल चुकी है बट आपको नीचे वाली वैल्यू नहीं मिली है। तो मैंने यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू को सेम टू सेम लिख लिया है ओके और मैंने इसको यहाँ पर ले लिया। देखें तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, तो ये तो सेम टू सेम आंसर में आ गया है। अभी हमें नीचे वाली वैल्यू को देख लेना, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वेयर खोल दीजिए 1 प्लस, देखें a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, तो ये 4x हो गया, माइनस 2ab तो माइनस 2 tan स्क्वेयर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस टेन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो आपको शायद दिया हुआ आंसर यही होगा, आप देख सकते हैं।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। देखते हैं, 1 + 10 4x और -10 6 यहाँ पर आ जाएगा 10 square x। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आपका RHS था, तो मैंने इसमें क्या किया था, LHS लिया था और RHS को प्रूव कर दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस वाला। इसमें कॉस 2x का आपको आइडेंटिटी आना चाहिए। कॉस 2x का आइडेंटिटी मैं लिखा चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में। देखिए 2 cos² x - 1 है, ठीक है, और एक और होता है 1 - 2 sin² x होता है। आप यहाँ पर आ जाइए, cos² x - sin² x, ये वाली आइडेंटिटी तीन जो होती है वो कॉस की होती है, तो ये आपको लर्न होनी चाहिए हर हालत में, चाहे आपको कुछ भी हो जाए। देखें यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैंने LHS ले लिया। यहाँ पर LHS लेने पर मुझे क्या मिला, cos 4a मिला। जब cos 4a आपको मिल चुका है तो आप इसे लिख सकते हैं cos 2 into, देखिए cos 4x है ना ये, तो cos 2 into 2x लिख सकते हैं। जब आप cos 2x से लिखेंगे तो मैंने क्या किया, इस 2x को a कह दिया थोड़ी देर के लिए, क्या लेट a मान लिया मैंने इसे। जब मैं a मानूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा क्या, cos 2a, क्लियर, cos 2a वैल्यू मिल जाएगा। तो cos 2a मिलेगा तो हम जानते हैं क्या कि 2 cos² a - 1, ये एक फॉर्मूला होता है आपका, किसका, cos 2a का। जब cos 2 का ये फॉर्मूला होता है तो आपको करना ये है कि अब इसमें a की वैल्यू को रिटर्न कर देना है। तो जब मैं इसमें a की वैल्यू को रिटर्न करूँगा तो देखें यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी cos² x - 1, ये वाली वैल्यू मिल चुकी है। जब आपको ये वाली वैल्यू मिल जाए तो आपको करना ये है कि इसमें अगेन आपको वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है जो हम यहाँ पर कर रहे थे। देखें 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos² x - 1 का होल स्क्वायर और -1, ठीक है। जब मैंने इस फॉर्मूले को ओपन किया तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी, देखो 4 cos 4, देखें 2 cos² x है ना, तो यहाँ पर देखें 4 cos 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4x है ना +1 - 2 ab, तो 2ab की जगह पर आपको जो वैल्यू मिलेगी, देखें 2 into 2 a, a की जगह पर cos आएगा cos² x, यानी ये वाली वैल्यू मिल जाएगी आपको। फॉर्मूला समझ लीजिए एक बार फिर अगेन, देखें a² यानी कि a² हो गया +b² ये हो गया -2ab, तो -2ab यानी कि ये हो गया 2, a की जगह पर 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है तो आप v यहाँ पर लिख सकते हैं, और b की जगह पर यहाँ पर 2 और आएगा तो ये 4 हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर देखें -1 सेम टू सेम है आपके पास, वो लिख सकते हैं। अभी अगेन मैं इसे फिर सॉल्व करने वाला हूँ तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 8 को मैं ऐसे कैसे लिखूँगा, 8 cos की पावर 4x +1 की जगह पर यहाँ पर आपको मिलेगा 1 की जगह पर 2, क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई जैसे ही मैं इसमें करूँगा तो 2 हो जाएगा, माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा cos² x। ओके, ये वाली बात बन जाएगी। अब यहाँ पर ये सॉरी ये मल्टीप्लाई हो चुका है इसके अंदर, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखिए 8 और यहाँ पर आपको मिलेगा -1। जब मैं इस ब्रैकेट के बाद इसको खोलूँगा तो आपको मिलेगा 8 cos² x - 8 cos² x और ये रहेगा आपका +1, यानी कि ये वाली कैटेगरी आपको मिल जाएगी। देखें बट इस कैटेगरी में हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ पर हमें दोनों कॉस और साइन मिल रहा है। जब आपको कॉस और साइन मिल रहा है, तो आपको कॉस और साइन की कैटेगरी को फॉलो करना है। तो कॉस और साइन की कैटेगरी को किस तरीके से फॉलो करेंगे ये देख लेते हैं। तो देखते हैं इस वाली बात को मैं दो भागों में डिवाइड कर लेता हूँ। देखिए इस तरीके से 8 cos² x - 8 cos² x + 1, मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने ये किया कि इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। अब इसको दो भागों में डिवाइड करने के बाद मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया। देखिए कॉमन लिया क्या मैंने, 8 cos² x कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, cos² x है ना, cos² x यहाँ पर मिलेगा इन दोनों से, और यहाँ पर मिलेगा -1।
ठीक है, प्लस वन आपके पास यहाँ पर है, तो जब ये ऐसी कंडीशन बनेगी तो इसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वेयर एक्स और यहाँ पर आएगा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस वन। तो यही आपको प्रूव करना था, RHS है आपका, ठीक है, ये है हेंस्ट प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को सेम इसी तरीके से करना है कि आपको इसे तोड़ लेना है किसमें, देखिए कॉस क्या करना है 3 इंटू टू एक्स क्या कर लेना है, 3 इंटू टू का एक्स कर लीजिए या 2 इंटू थ्री एक्स कर लीजिए, 2 इंटू थ्री एक्स कर लीजिए क्योंकि आपको ये आसानी होगी, 3x कर लेंगे। तो 2 इंटू थ्री एक्स किया तो मैंने 3x को क्या कह दिया, a कह दिया थोड़ी देर के लिए, और जब मैंने इसे a कह दिया है तो ये आपको वैल्यू जो मिलेगी वो होगा cos 2a। अब 2 cos a का फॉर्मूला लगा दीजिए, cos 2a का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ से आप इसे फिर a की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी इसका है, दूसरा तरीका इस तरीके से है कि देखिए cos कॉस है ना ये, तो कॉस को आप इस तरीके से कर सकते हैं 3 इंटू टू एक्स कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या रहेगी, कॉस 3a हो जाएगा, और इसको आप इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं 2a प्लस 1 प्लस a, यानी कि a और b की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो आप इसमें फिर बाद में a की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना है, सेल्फ डू इट करना है भाई, सेल्फ डू इट आपको ये स्वयं करना है। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा।